तो प्लेइंग टूर्नामेंट फॉर बाइंग डायमंड्स के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है, जहां भाई हमने अभी तक 3 ईवो गन स्किन साथ ही में एक वीकली मेंबरशिप परचेज की है टूर्नामेंट खेल खेल कर। एंड आज के एपिसोड में भाई हम अपनी फेवरेट MP40 जो भाई बड़ी मुश्किल से गरीना ने दान दे दी थी, लक था भाई इस टाइम, उसको जो है आज हम अपग्रेड करेंगे, जिसमें भाई डायमंड की वाट लगेगी, पैसे लगेंगे, तो दोबारा भाई आज उसके लिए जो है टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा, जो कि भाई आज हम खेलेंगे गेम पी कैप में। यस, एंड ये है भाई मेरे को तो बहुत पसंद आती है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से भाई इस ऐप में खेल रहा हूँ, वो आप देख ही सकते हो। एंड इसमें भाई बहुत बंदे ऑलरेडी खेलते भी है, बीआर के मैचेस, सीएस के मैचेस, लॉन वुल्फ के, सर्वाइवल के, हर तरह के भाई एक से बढ़कर एक मोड है, बट मुझे पसंद आता है और मेन मैं भाई इस ऐप में खेलता हूँ बीआर के मैचेस, जो मैं आज भाई आपको दिखाऊंगा भी, तो बहुत मजा आएगा भाई, बहुत ही तगड़े मैचेस जाएंगे। एंड सबसे तगड़ी चीज बताऊं, ये वो ऐप है भाई जहां आप अपने कॉइन से रिडीम कोड भी ले सकते हो, तो ये भी बहुत सही लगता है भाई मेरे को। बाकी अगर आप जेन्युइन हो या फेयर प्लेयर हो तो भाई इनका कस्टमर सपोर्ट आपकी हर प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेगा, तो अगर आपको भी खेलना हो तो भाई ऐप का लिंक जो है कमेंट में जरूर जाके भाई जो है चेकआउट करना, मेरा रेफर कोड भी यूज कर लेना फॉर बोनस। बाकी आज भाई मैचेस में आपको टिप्स एंड ट्रिक भी बताऊंगा, जो मैंने गलतियां करी वो भी भाई मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज ईवो गन स्किन कोबरा MP40 को भाई लेवल अप कर पाए या नहीं, उसके साथ कोई दूसरा आइटम खरीद पाए या नहीं, आओ मैच में चलकर देख लेते हैं। तो पहला मैच भाई अपना सुबह के 10 बजे का था, 10 रुपए की एंट्री फी का है, तो देखते हैं भाई क्या होता है मैच में। अब मैं भाई यूज करता हूँ रिसप्लाई जो बना है भाई हैंगर और क्लोक टावर के बीच में, तो फटाफट से भाई मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था। और भाई एक टिप देना चाहूंगा, कायरोस ये जो करेक्टर है ना, इसको भाई जरूर यूज करना, बहुत तगड़ा है भाई, वो आपको अभी और आगे पता चलेगा। अब रीसप्लाई के पास मैं कूद गया था और चलो भाई मैक 10 मिल गई, ये तो भाई बढ़िया गन है, बट शुरू में यार इसके अलावा भी एक दो गन जो है ढूंढ लिया करो यार, शॉर्ट रेंज वगैरह की भाई मिल जाए तो ज्यादा बेनिफिट रहता है। और यहाँ पे बाईजन मिल गई थी, ये बढ़िया गन है यार, और भाई किस्मत हो तो ऐसी ऊपर आते भाई, देखो यहाँ पे मैक 7 भी मिल गई, तो और क्या चाहिए। और भाई थोड़ा मैं यहाँ जैसे आता हूँ बंदे के फुटस्टेप भी आ रहे हैं, और मुझे लगा घर के नीचे ही है, तो मैं उतरता हूँ और देखो भाई है तो ये सामने, अरे यार गलत वॉल लगा ली, तो चलो थोड़ा इसकी तरफ बढ़ते हैं, और है तो भाई ये सामने ही, और इस पे यार लॉन्ग रेंज की गन है, बट मेरे पास भी नेट था वो फेंक दिया था, और देखो ये थोड़ा राइट साइड चला गया बचने के लिए, और यही सही मोमेंट था भाई, मैं जो इसकी तरफ सीधा रश करता हूँ, सामने था भाई, डैमेज तो दिया इसको, और अब भाई बढ़ते ही है सामने था, अरे यार एम क्या हो गया, ताश से यूज करता और घूम के, तो देखो भाई मैक्स 7 से मार देता हूँ, पहला किल आ गया भाई अपना, तो बहुत ही बढ़िया यार शुरुआत तो चलो हो ही गई है। एंड यार अब मैं थोड़े घर में जैसे आता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है यार ये अरिजिनल का टाइम बढ़ गया क्या, 3 मिनट तो भाई इस टाइम तक कहाँ ही रहता है, मतलब इस टाइम तक तो भाई शायद 1 मिनट रह जाता है, बट पता नहीं यार टोकन से तो भाई अब हिटलिस्ट लगानी पड़ेगी। तो मैं फटाफट से वेंडिंग के पास आ गया था, और ये आहिर गुरुजी भाई पता नहीं किस पे लगी है, कटुलिस्ट युवा में है, तो बढ़ते है भाई इसकी तरफ। एक तो यार गाड़ी मिल जाए ना ढंग की शुरू में तो बहुत बेनिफिट होता है, बट मेरे पास भी भाई लॉन्च पैड था, तो इसको यूज करके भाई फटाफट से जाएंगे, क्योंकि भाई बंदे आप देख ही सकते हो आधे जो है भाई निपट भी चुके हैं। तो फटाफट से मैं कटुलिस्टिवा में आ जाता हूँ, और भाई यहाँ पे से एक बंदा कौन उतरा, लेकिन भाई इसको मैं डैमेज दे रहा था, ये पीछे से कौन मार रहा है यार, और यहाँ पे यार आप देख ही सकते हो किल के चक्कर में कितने एकदम से बंदे आ गए हैं। तो मैं भाई थोड़ा कवर में जाता हूँ पहले, और भाई डैमेज थी वेस्ट तो आगे वाले घर में जा ही रहा था, अरे यार ये किसने डैमेज दे दिया है, और भाई इसके फुटस्टेप आ रहे थे, ये मेरी तरफ ही बढ़ रहे हैं, और ये उस वाले घर में आ चुका है, तो मैं दोबारा जाता हूँ, और देखो सामने ही है, यहाँ भाई इसको डैमेज तो दिया है, कुछ ज्यादा ही हेल्थ कम है यार, फटाफट से भाई सुपर मेडी लग जा, और भाई इसको जो है लोकेशन भी आ रही है, अरे भाई ये तो यही आ गया, तो बॉल लगा लेता हूँ भाई मैं, सारी बॉल खत्म हो गई भाई, कितने बंदे आ गए एकदम से। और यहाँ पे भाई शॉटगन वगैरह में एमो नहीं थी, तो फटाफट से वेंडिंग मशीन से कुछ भी मतलब आइटम वगैरह ले लेता हूँ, और अब भाई फटाफट से बॉल फोड़ते हैं यार, माँ की माँ आ रही है भाई, हमें भी तो किल चाहिए, तो देखो आगे पीछे कहाँ कहाँ से माँ आ रही है, लेकिन आगे जैसे आता ये बंदा था भाई, इसको तो ऐसी मार दिया हेड ही लग गया था, तो बढ़िया भाई अपना दूसरा किल हो जाता है। बट एक और बंदा भाई एल शेप में है, तो मैं भाई नेट फेंक ही रहा था, बंदा भाग गया है, फुटस्टेप आ रहे थे, और मैं भाई थोड़ा सा होल्ड करके ताशवे के साथ जाता हूँ, ये यार था तो ऊपर बट पता नहीं कहाँ भाग गया, बट यहाँ थोड़ा कोने में देख ही रहा था, देखो भाई है तो ये सामने, अरे भाग गया, नीचे उतरते ही हूँ भाई, और अब भाई कायरोस की पावर देखना, ये बंदा सामने था, देखो क्या तगड़े वाला भाई डैमेज गया, और अब तो भाई सीधा इसकी तरफ बढ़ेंगे, और देखो कहाँ यार पीछे भागे जा रहे हैं, बट बॉल के पीछे था, जैसे ही निकलता है भाई देखो तीसरा खेल आ जाता है भाई अपना आसानी से, तो मजा आ गया भाई, टोकन भी अच्छे खासे है, तो फिर से भाई हेडलिस्ट लगा लेते हैं, और एटीट्यूड बॉय पे भाई लगी है, तो देखते हैं। एंड मेरे पास भाई आरिजिनल भी थी, तो फटाफट से यार एक बार लेवल 4 की वेस्ट वगैरह भी लूट लेते हैं, फिर भाई इसकी तरफ बढ़ेंगे। एंड एक ऐसा सा बंदा है भाई, बंदे वैसे कम है और पीछे भागे जा रहे हैं, बट मैं इसके क्लोज आ ही जाता हूँ, और देखो सामने ही है भाई, और स्पेशल लॉन्ग रेंज की गन है, तो भाई क्लोज में जाना ही पड़ेगा, बट क्लोज में जाता हूँ तो देखो फिर रेंज बना रहा है भाई, कैसा सा बंदा है, बट मैं भी भाई बॉल लगा लगा के इसकी तरफ ही बढ़ता हूँ, और सामने ही तासे के साथ जाता हूँ, और देखो भाई यहाँ अच्छा खासा डैमेज तो दिया है, बट मेरी भी हेल्थ कम है, और दिमित्री यूजर है क्या, ये तो नूबड़ा ही होगा, तो ले भाई, अरे भाई इसको तो नॉक ही कर दिया, और पूरा ही मार देता हूँ,
इसी के साथ भाई अपना जो चौथा किल भी आ जाता है भाई। सोनिया दिमित्री बीआर तक ठीक है, लेकिन टूर्नामेंट में भाई मत यूज किया करो, बिल्कुल ही बेकार है। बट यार यहाँ मेरी किस्मत भी बेकार हो जाती है। आगे भाई दो बंदों की फाइट हो रही थी, सोचा था भाई थर्ड पार्टी करूंगा, फ्री का किल उठाऊंगा, और ऊपर आते भाई बंदा सामने था और देख लिया भाई इसने तो, और मैं यहाँ वेट कर रहा था, काश पहले एफजेल लॉन्चर छोड़ देता, बट सीधा रश कर दिया था। यहाँ भाई इसको अच्छा खासा डैमेज तो दिया था, बट बढ़ते देखो यार इसका गलती से या पता नहीं कट्टा का भाई हेड लग गया, और यहाँ भाई मेरा मैच खत्म हो जाता है, बुया हो जाता भाई काश। बट फिर भी भाई अच्छा गया मैच, और जितनी विनिंग करी उसका प्रूफ आप देख सकते हो। और अब सेकंड मैच भाई मैंने 4 बजे का खेला था, ये भी भाई 10 रुपए एंट्री फी का था, तो देखते हैं भाई इस मैच में क्या होता है। और इस बार भाई मेरा रिसप्लाई जो है बुलसैया की तरफ पड़ा है, तो फटाफट से भाई मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था। और भाई इस मैच में तो पक्का आपको कायरोस की भाई एक अलग ही लेवल एबिलिटी या पावर देखने को मिलेगी। फटाफट से मैं लैंड कर गया था, और भाई क्या मिल गया, एके मिल जाती है, तो ठीक ही है वैसे तो, ठीक तो नूबड़े सब कुछ ही है बस तेरे गेम प्ले को छोड़कर। अरे मुझे लगा तेरे मुंह पे पट्टी लगी होगी, बट फिर से आ गया तू बिलोटे, सुधरेगा नहीं। तो यार बहुत देर से मैं लूट रहा हूँ, कोई ढंग की गन नहीं मिल रही MP40 बायजन ट्रोगोन या MAC-7 में से, बट चलो यहाँ से UMP मिल गई थी, ये फिर भी भाई ठीक ही गन है। वेंडिंग के पास आ गया था और हेडलिस्ट लगा ली थी, और ये देखो भाई किस बंदे पे लगी है, हेक्टर नाम का बंदा है, देखते हैं। और रिसप्लाई में कुछ काम आया ना आए भाई, लॉन्च पैड बड़ा काम आता है। नूबड़े वो तो जैसे भगोड़े को आ गई। अब भाई रश कर रहा हूँ, उसके बाद भी देखो चिढ़ता है भाई ये पनौती में से। बाकी ये बंदा भाई है तो सामने, ये सामने वाले घर में ही है यार, तो मैं भाई सीधा ही अंदर आ जाता हूँ, और देखो वुकोंग बन रखा है भाई ये बंदा तो। और मैं भाई ताशे के साथ जाता हूँ, और यहाँ भाई इसको डैमेज तो दिया है, और यार कहाँ पे है, और मेरी तरफ ही बढ़ रहा है, बट एम पता नहीं भाई कहाँ जा रहा है। बट फिर भी भाई इसको डैमेज तो दिया है, और थोड़ा सा वो डैमेज दे दिया, और अब तो भाई इसकी सोच देखो कहाँ भाग रहा है भाई ये बंदा, थोड़ा ठीक ठाक ही था, तो भाई पहला किल आ जाता है इसको मार कर। बाकी भाई UMP से अभी जो हुआ ना, मैं भाई दूसरी शॉर्ट रेंज गन ढूंढने के लिए जा रहा था, वैसे तो मेन भाई हेडलिस्ट लगाने भी जा रहा था, और वेंडिंग के पास दोबारा फटाफट से आ जाता हूँ और हेडलिस्ट भाई लगा लेता हूँ। बट उसकी तरफ बढ़ने से पहले एक भाई शॉर्ट रेंज की गन ढूंढ रहा था, और देखो यहाँ से भाई बाईजन मिल जाती है, ये तो भाई बढ़िया गन है। बट मैं भाई हेडलिस्ट वाले बंदे की तरफ नहीं जा रहा था भाई, ये जोन के अंदर है यार, बट भाई ये शायद लॉन्च पैड से जो है आ गया था, तो भाई गाड़ी घुमा के फटाफट से बढ़ते इसकी तरफ, और इस तरफ आते है तो भाई ये एल शेप पे, तो थोड़ा सा रुकते है यार, इस पे एक तो कवर है बढ़िया सा। बट इस घर में आते ये नेट की ट्राई कर रहा था, तो मैं भाई आ जाता हूँ, और भाई फटाफट से बढ़ता ही हूँ यार बिना डरे, क्योंकि ये बंदा भाई किनारे पे था, और देखो आ गई है, तो भाई बढ़ते ही है, ताश ही लगा लिया था, अरे नहीं यार नीचे गिर गया, बट भाई अच्छा खासा फिर भी डैमेज तो दिया ही है। और दोबारा ऊपर आ गया था, दोबारा इसकी तरफ बढ़ता हूँ, सामने ही था, और यहाँ भाई बाईजन जो स्पैम करती थी, और बच गया भाई, थोड़ी सी हेल्थी रह गई थी मेरी भी, बट चलो किल आ जाता है अपना भाई दूसरा। और एक और बंदा भाई शायद थर्ड पार्टी करने आ रहा है, तो भाई वो लगा ली थी यहाँ, उसके पास से भाई MAC-7 FGL-24 भाई दोनों तगड़ी गन मिल गई है। और यहाँ लूट ही रहा था जो भाई थर्ड पार्टी करने आया था, वो गाड़ी से भाग ही रहा था, तो डैमेज कर ही रहा था, अरे ये कौन आ गया भाई एक और ऊपर से, तो भाई फटाफट से वो लगाता हूँ, और ये बंदा भाई फिर उतर गया थर्ड पार्टी वाला, और देखो भाई ऊपर ही आ जाता है, बट FGL का लॉन्चर था, तो देखो भाई दो शॉट मारे भाई दोनों से डैमेज आए, अब तो भाई फटाफट से बढ़ेंगे, नहीं यार यहाँ से पैक कर लिया, बट इसके भाई फुटस्टेप आ रहे थे, और देखो गाड़ी में बैठ गया था, बट भाई क्या ही हेड लग जाता है। और तीसरा किल आ गया भाई अपना, बंदा भाई थर्ड पार्टी करने आया था, खुद ही की थर्ड पार्टी होगी, बट चलो भाई बढ़िया है, तीसरा किल हो गया, और भाई गाड़ी भी थी यहाँ, तो फटाफट से इसके साथ जोन में चलते हैं। और अब भाई जोन से निकलते यहाँ पे यार बंदे ही बंदे, देखो एक गाड़ी भाई इधर थी, पहले तो इतने दिखे नहीं थे, गाड़ी में बैठते देखो भाई माँ की माँ आ रहा है, और एक और गाड़ी से बंदा आ गया, भाई ये क्या हो रहा है, पिछले मैच में भी ऐसी हुआ था, मैं तो भाई गाड़ी लेके निकलता हूँ पहले, और मैं भाई ऊपर जा रहा था क्योंकि ऊपर भी बंदे हैं, मुझे लगा वॉल के पीछे है, बट नहीं यार गाड़ी में बैठ गया था। बट मैं गाड़ी जैसी घुमाता हूँ, यहाँ पे भाई बंदों की फाइट तो हुई है, और मैं जैसी उतरता हूँ एक बंदा गाड़ी से जा रहा था, और इसकी भाई मैं गाड़ी फोड़ ही देता हूँ, और गाड़ी से उतरते देखो भाई क्या ही डैमेज दिया इसको, और अच्छा डैमेज दिया था, सीधा इसकी तरफ बढ़ता और भाई खत्म ही कर देता उसको, और चौथा किल आ गया भाई अपना, बढ़िया भाई सही किल निकल गए इस मैच में भी। बट भाई केवल 8 ही बंदे रह गए, तो फटाफट से जोन के अंदर आ जाता हूँ, बहुत बड़ा जोन है यार, बंदों को कहाँ ढूंढूं, बट भाई यहाँ पे UAV था, और देखो पीछे से माँ का आया था भाई, बंदे ही तो भाई मेरे को चाहिए थे, देखो सामने दिखता भी है, अरे भाई कैसे उतर गया मैं, बट चलो सामने ये बंदा, और यार डैमेज तो गया नहीं, मकड़ी और पड़वा ली भाई अपने ऊपर, और ये भाई गाड़ी से ठोकने आ गया था, बट मैं भाई थोड़ा सा यहाँ से निकलता ही हूँ, और इस पे भाई M10 है यार, स्पैम ना कर दे तो थोड़ा सा भाई रेंज बनाता हूँ, भाई ये बंदा शायद फिर से गाड़ी में बैठ गया, तो गाड़ी फोड़ता हूँ, अरे नहीं यार इस गाड़ी में तो नहीं है, बट दूसरी वाली गाड़ी में था, और देखो भाई ये गाड़ी फोड़ दी, और जब तक उतरता भाई देखो उससे पहले भाई क्या ही हेड लग गए, और पांचवा किल आ जाता है भाई अपना। अब ऊपर की साइड जैसे ही आता हूँ भाई यहाँ पे अपना रिसप्लाई भी था, तो फ्री का चलो यहाँ से भाई लूट लेते हैं, भाई थोड़े से बंदे रह गए थे, तो लॉन्च पैड के साथ भाई मार्स इलेक्ट्रिक में आ गया था, और यहाँ भाई मेरे पास इतने टोकन थे यार, वेंडिंग मशीन के पास ही चलते हैं, और भाई उसकी तरफ जा ही रहा था, एकदम से एक बंदा भाई देखो सामने दिखता है, तो FGL लॉन्चर छोड़ा था, बट यार डैमेज नहीं आया कैसे, बट ये बंदा बाहर निकलता है, एक शॉट तो मारा है, और भाई सीधा इसकी तरफ बढ़ता हूँ, और यहाँ भी डैमेज तो दिया है, और निकलते हैं तो देखो अरे भाई
भाई ट्रोगो ने इस पे बट भाई रिकॉइल हो गई थी और भाई इसको नॉक ही कर दिया। भाई गाड़ी वाला बंदा आ रहा है भाई, फटाफट से किल लेता हूँ और पीछे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा रुकता हूँ और फिर दोबारा भाई यहीं आता हूँ। और इसके पास भाई क्या लूट थी यार, देख रहे हो? तो इसको लूट के भाई जून भी आ गया था। तो गाड़ी से चलते हैं, तीन बंदे रह गए यार, एक दो किल और आ जाए तो मजा आ जाएगा। मैं ऊपर जैसे आता हूँ ना, मेरे को थोड़ा सा भाई बंदे की झलक तो दिखी थी, बट कन्फर्म करने के लिए भाई दोबारा गया था। और है तो भाई देखो ये पेड़ के पीछे ही है, तो मैं उतरता ही हूँ भाई। और ये डांसिंग कार भाई कहाँ खिसका रही है मेरे को, बटन में बढ़ता ही हूँ। ये बंदा सामने था, थोड़े डैमेज दे पाया हूँ और एफजीएल लॉन्चर छोड़ता हूँ। इससे यार डैमेज सुनिए मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। और यहाँ थोड़ा वेट कर ही रहा था, ये बंदा जैसे निकलता है थोड़ा डैमेज तो दिया है। और भाई यही रुक रहा था मैं और इस पेड़ के पीछे कवर ले रहा था यार, पीछे से कौन डैमेज दे रहा है, तो पहले मैं भी वॉल लगाता हूँ। बट अभी देखना भाई, राइट साइड से थोड़ा घूम के जाता हूँ, ये बंदा भाई फिर से रश करता है। बट भाई यहाँ इसको अच्छा खासा डैमेज तो दिया, अब तो फटाफट से बढ़ता हूँ। और ये देखो भाई इसको मार ही दिया और सातवां किल आ चुका है भाई अपना, और दो ही बंदे रह गए केवल। बट यहाँ भाई मैंने कर दिया था लालच, यहाँ भाई मुझे होल्ड करना चाहिए था, बट आखिरी के दो बंदे थे, मेरे को ही किल चाहिए थे तो गाड़ी में रश कर रहा था। बताओ इसका परिणाम भाई, किसी ने मेरे को एडब्ल्यूएम का शॉट मार दिया था और ऊपर जा ही रहा था भाई, गाड़ी भी फोड़ दी थी और उतरने वाला था, एक और फटका मार दिया और देखो यार नॉक ही कर देता है और खत्म भी कर देता है। काश यार मैं यहाँ रश नहीं करता तो बुआ था भाई ये पक्का। बट चलो कोई ना, अच्छा गया ये भी मैच और भाई विनिंग प्रूफ आप देख ही सकते हो। और अब नेक्स्ट मैच भाई अपना 7 बजे का था, 12 रुपए एंट्री फी का है, तो देखते भाई क्या होता है। इस बार यार मेरा रिसप्लाई देखो हैंगर के भाई बिल्कुल कोने में पड़ा है, बट मैं भाई जाता ही हूँ क्योंकि ठीक लगता है यार, शुरू में अच्छी खासी लूट मिल जाती है वेस्ट वगैरह। और यहाँ से भाई मुझे P90 शॉर्ट रेंज में मिल जाती है। बट भाई अभी देखना, आगे बढ़ ही रहा था, एक बंदा देखो भाई सामने था, तो इसको देखो डैमेज तो दिया है, थोड़ा सा रुक के सीधा इसकी तरफ रश करता हूँ, बट पता नहीं यार कहाँ भाग गया ये। बट यहाँ से जैसे बाहर निकलता हूँ भाई इसका मार्क आ रहा था, तो फटाफट से चलते है और भाई ये तो यहीं पे है, लेकिन जैसे ही निकलता है भाई ये देखो इसको मार ही देता हूँ। उसके पास लिटरली देखो भाई Max 7 मिल जाती है, तो ये बढ़िया चीज हो गई। और भाई किस्मत तो देखो टोकन भी है और यहाँ से भाई लैम्बो भी मिल जाती है, तो फटाफट से भाई वेंडिंग के पास आता हूँ और हेडलिस्ट लगा लेते हैं। यहाँ से भी हेडलिस्ट हमेशा कटुलिस्ट की तरफ पड़ती है और बंदा भाई देखो पास में ही है, मुझे भाई पता चल गया था ये एल शिप में ही है। बट तुम्हारा भाई अब बिना डरे उतरता ही है और यहाँ थोड़ा होल्ड कर रहा था, मे भी भाई नीचे आए और फेंकने के लिए भी कुछ नहीं है, तो यार बढ़ते ही है इसकी तरफ। छोड़ो यार देखा जाएगा जो होगा, तो भाई फटाफट से बढ़ता हूँ इसकी तरफ तासे ही लगा के। और ये बंदा सामने था और देखो भाई स्पैम कर दी Max 7 और थोड़ी सी एल से बच गया भाई बस। अब मेरा ध्यान जाता है भाई हेडलिस्ट वाला बंदा नहीं था, वो तो भाई मेरी तरफ ही बढ़ रहा है, तो यहाँ वॉल लगा ली थी। और पहले भाई इसको लूट कर लेते हैं। मैं भाई यहाँ नीचे कोने से उतरता हूँ, इसके भाई नीचे से फुटस्टेप आ रहे हैं। और ये बंदा भाई देखो एकदम से सामने भी दिखा था, तो ताश ही लगा के जाता हूँ और ये देखो भाई सामने था। बट भाई देखो Max 7 भाई ओपी बोलते हैं और तीसरा किल हो जाता है भाई अपना। और अब मैंने भाई दोबारा हेडलिस्ट लगा ली थी, बट अब मेरे साथ जो होगा ना वो भाई आप देखना यार। भाई हेडलिस्ट वाला बंदा भाई बताओ शिपयार्ड की तरफ था, लेकिन पीछे जैसे बढ़ता हूँ एक बंदा सामने था और इसको तो देखो भाई ठोक ही दिया। और ये पता नहीं भाई कैसा सा बंदा था, फ्री का किल मिल गया ये तो। बट ये भाई अभी हेडलिस्ट वाले बंदे पे इतना गुस्सा आया ना, अब इसके पास में आता हूँ तो देखो भागने लगता है भाई। देखो जोन में जाकर ऊपर जा चुका है, ऐसा तो भाई मैं प्रो प्लेयर भी नहीं हूँ जो इतना डर रहा है यार, क्या बोलूं। फिर भी मैं हिम्मत रख के रिस्क लेके भाई ऊपर जा ही रहा था, ये देखो भाई लॉन्च पैड से भाग गया, कैसा बंदा है भाई। मैं भी भाई लॉन्च पैड से जाता हूँ, दिमाग खराब हो रहा था यार, भागे जा रहा है बंदा, अभी बिल्कुल सामने था। बट फिर भाई क्लोज में जा रहा हूँ तो देखो गाड़ी में भाग रहे हैं यार, कैसा बंदा है भाई। किल्स वाले मैच है या सर्वाइवल के जो भागे जा रहा है भाई। देखो फिर भी भाई मैं इसकी गाड़ी फोड़ देता हूँ, उसको डैमेज दिया हूँ, वो लगा के ताचो के साथ बढ़ता ही हूँ। अब देखो भाई एल शेप की तरफ भाग रहे हैं, इसने भाई वहां से पैक भी कर लिया है, तो मैं जो है फटाफट से ऊपर आता हूँ। और ऊपर आते देखो भाई ये बंदा सामने है और एक और बंदा आ चुका था भाई वैसे इधर, मैं सब जैसे ही आता हूँ देखो ये सामने था, बट भाई यहाँ पे भी वो लगा ली। अरे भाई कितना डरपोक बंदा है। यहाँ भाई मेरा दिमाग एकदम पागल हो चुका था, अलग ही मैं दिमाग लगा रहा, यहाँ आ जाता हूँ। और अब भाई ये देखो कितनी अच्छी स्किल दिखा के मार देता है और उठक बैठक कर रहा है, सीधा एग्जिट किया भाई मैंने, क्या ही बंदा है। और भाई कितना विनिंग की है आप भाई देख सकते हो। और अब नेक्स्ट मैच भाई ये थोड़ा पहले का था, मतलब आज का ही है, लॉन वुल्फ का है, मजा आता है भाई ये खेलने में भी। तो कस्टम में तो मैं भाई आ ही गया था, वो मैच जीते या नहीं चलो देख लेते हैं। अब इसने भाई डेजर्ट ईगल ले ली थी और ये गन भाई बिल्कुल चलानी नहीं आती। और ये ना अनलिमिटेड डेमो वाला जो है भाई लॉन वुल्फ का मैच था, जो कि मैं बहुत कम खेलता हूँ, बट गलती से यार रूल्स पढ़ना भूल गया था। और ये पता नहीं भाई कैसा सा बंदा है बताओ, पीछे जो है छुप गया है, तो मैं वॉल लगा के भाई इधर आ जाता हूँ। और अब देखो अब ये बंदा कैसे निकलता है, तो यहाँ एक शॉट तो मारा है, नहीं यार ध्यान से खेलना पड़ेगा। लेकिन इसकी तो मैं जैसे ही जाता हूँ सामने था और देखो भाई, अरे भाई क्या ही हेड लग जाता है। और पहला राउंड तो भाई हम जीत ही जाते हैं, सेकंड राउंड तो भाई आप खुद ही देखो बहुत ज्यादा भाई लंबा गया था भाई, ये बंदा ना खुद मार पा रहा ना भाई मैं मार पा रहा। बट अब आगे देखना भाई, मैडी लगाते मैं वॉल खोलता हूँ और ये बंदा आ गया था यहाँ पे और बॉडी बॉडी स्पैम करने लग गया था। बट यहाँ पे स्पैम करते करते देखो भाई गलती से लग गया था हेडशॉट, लेकिन भाई क्या ही लगा, दूसरा राउंड जीत गए भाई। भाई कुछ अलग
ही लेवल खेल रहा था यार ये अनलिमिटेड डेमो वाले मैच में। अब मैंने तो MP40 ले ली थी, फेवरेट गन है, ये बंदा जैसे निकला देखो भाई क्या ही हेड मारा, तीसरा राउंड भी जीत गए भाई हम। भाई ये बंदा तो यार वैसे अच्छा था, बट पता नहीं यार या तो मैं कुछ ज्यादा अच्छा खेल रहा था या ये कुछ ज्यादा बुरा खेल रहा था। मैं ना कुछ अलग तरह की मूवमेंट कर रहा था, मेरे से खुद नहीं संभाली जा रही थी, जिसकी वजह से भाई ये राउंड भी मैं जीत गया था। बट नेक्स्ट राउंड भाई इसने ले ली थी M82B और ये गन तो भाई लिटरली चलानी ही नहीं आती, और इसने पता नहीं भाई कहां से डैमेज दे दिया था। और भाई देखो एम ही नहीं लगते भाई मेरे स्नाइपर गन से, कभी चलाई नहीं है ना यार, इसलिए ये दिक्कत है। और ये बंदा पता नहीं भाई क्या आर पार ही भाई मारे जा रहा था, और ये स्नाइपर के पहले राउंड में भाई मुझे मार भी देता है, पता नहीं भाई कैसे कूद कूद के मारे जा रहे हैं। जिस तरह खेल रहा था भाई स्नाइपर में तो मेरे को लगा भाई ये वाला राउंड भी मैं हारूंगा ही, बट भाई किस्मत बदलती है क्योंकि यहाँ पे भाई ये बिल्कुल सामने ही था, यहाँ पे भाई मैंने एक शॉट मार दिया था, पता नहीं क्या वो लगाया जा रहा बट भाई इसको मार ही देता। और इसी के साथ भाई 5-1 के स्कोर से ये मैच जो है भाई हो जाता है भैया, प्रूफ आप भाई देख ही सकते हो विनिंग का। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, मैं शुरू से ही भाई इस ऐप में खेल रहा हूँ और भाई पैसे भी निकाल लिया करता था, तो वो ऑलमोस्ट भाई मैंने 500-600 के आसपास निकाल रखा है। मैं भाई अभी इसमें से ज्यादा निकालना नहीं चाहता, तो मैंने भाई 200 विड्रो प्रूफ जो है आपको दिखाने के लिए जो निकाल लेता हूं, क्योंकि भाई अपग्रेड करनी है कोबरा तो ज्यादा डायमंड लगेंगे तो मंथली लेनी पड़ेगी। तो विड्रो मैंने जितने का लगाया 5 रुपए टैक्स कट के, वो जो है भाई आ भी जाता है। और अब आ चुका है भाई वो मोमेंट जहाँ पे भाई हम जो है स्पिन करेंगे, मतलब अपग्रेड करेंगे अपनी कोबरा MP40 को, तो उसके लिए भाई चाहिए डायमंड। और भाई मैं मंथली इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि गेम क्लेश वाली मतलब पार्ट टू में शायद मैंने 500 रुपए कमाए थे और 160 की वीकली ली थी, तो उसका भाई पैसा भी बचा ही हुआ है टूर्नामेंट के लिए। तो यहाँ मैंने भाई पेमेंट कर ली थी और फटाफट से देखते हैं, और पहली बार खरीद रहा हूँ यार ये मंथली मेंबरशिप। आप लोगों को भाई कहीं ना कहीं ये सीरीज अच्छी लग रही है इसलिए भाई और जो है मैं ये चीज निकाल पा रहा हूँ टूर्नामेंट खेल खेल कर। और देखो भाई मंथली हमने जो है बाय कर लिए, 1000 डायमंड मिल गए भाई हमें, तो पहली बार करी थी तो 100 डायमंड भाई एक्स्ट्रा भी मिल गए। तो अब आएगा भाई असली मजा, उससे पहले भाई मेरी जो है MP40 यानी कि कोबरा MP40 भाई आप देख लो, भाई देख सकते हो यार लेवल 2 की है गरीबों वाली एकदम, बट भाई लेवल 3 के लिए तो मेरे को केवल 4 से 5 टोकन ही चाहिए, और आई थिंक भाई मेरे को वैसे तो ज्ञान है तो लेवल 4 के लिए शायद 120 टोकन चाहिए होते हैं, यानी कि भाई टोटल मुझे जो है 125 टोकन चाहिए होंगे, क्योंकि भाई मेरे ख्याल से इतने डायमंड में तो निकल जाने चाहिए, ना निकले तो भाई गरीना को मैं अभी रिपोर्ट मारूंगा, और निकल जाएंगे क्या कम में निकल जाएंगे। इसलिए भाई देखो जो दूसरा आइटम था परचेस करने का उसमें मैं जो है भाई बुया पास परचेस कर लेता हूं, क्योंकि भाई इसमें भी जो यूनिवर्सल टोकन के शायद क्रेट मिलते हैं तो वो मिल जाएंगे भाई 5-10 जो भी एक्स्ट्रा। लेकिन मेरा पोपट हुआ भाई बहुत गंदा, मैं जैसे ही जाके देखता हूँ देखो भाई 1 क्रेट मिला है मेरे को बस। भाई अगर अब डायमंड्स कम पड़ गए ना भाई गया मैं तो, पता नहीं यार अब क्या होगा, बट जो भी होगा आपके सामने होगा। तो भाई स्टोर में मैं आ जाता हूँ, और कहाँ पे होता है भाई स्टोर में से भाई इतनी चीजें खरीदी नहीं है कुछ पता ही नहीं चलता, बस ये फ्री का सेक्शन पता है, बाकी भाई चलो यहाँ से हमें दिख जाता है MP40 की ईवो गन ये रही भाई देखो यहाँ पे 1 क्रेट है, और भाई 100,000 तक मिल सकता है, 1000 भगवान मजा आ जाएगा। बाकी भाई मैंने ना डिस्काउंट कूपन भी चेक किए थे और मेरे पास ना 200 का था, तो मैं उतने ही भाई जो है ले रहा था, देखो 200 का लग गया था, 20 क्रेट भाई मेरे को 600 के पड़ रहे थे, जो कि भाई बढ़िया ही है, 3 डायमंड का जो है 1 क्रेट पड़ गया है। तो मैं जो है भाई फटाफट से जो है बाय कर लेता हूँ, और अब चलते हैं भाई वॉल्ट में और देखते हैं भाई कितने क्रेट है पे। क्रेट तो भाई वैसे 20 है, कितने क्या कर रहा हूं मैं। तो अब आ गई भाई ओपन करने की बारी, और पहले तो मैं 10 ओपन कर रहा था, बट भाई 7 करेंगे थाला फॉर ए रीजन। और देखो भाई अरे भाई 119 कैसे मिल गए, ज्यादा खोल दिया क्या भाई मैंने, 119 कैसे मिल सकते हैं यार। भाई मेरे ख्याल से ना 100 टोकन का भी कुछ निकल चुका है, हाँ भाई 100 टोकन निकल चुके हैं, तो भाई ऐसी इसी में काम हो चुका है। बट यार ये क्रेट मैंने बाकी के क्यों ही खरीदे, बट चलो खरीदे तो इनको भी ओपन करना तो पड़ेगा ही, और साथ ही खोलता हूँ भाई थाला फॉर ए रीजन, क्या पता भाई इस बार 1000 मिल जाए। तो भाई फटाफट से देखो, अरे नहीं यार आगे ना औकात पे इतने ही देते है भाई, ये पता नहीं कैसे दे दिए भाई इन्होंने 119। फिर से भाई 6 बचे थे वो भी ओपन कर ही लेता हूँ, और इससे भाई अच्छे मिल गए 27 टोकन, यार किस्मत क्या बढ़िया चल रही है, मजा आ गया भाई, अच्छे खासे टोकन मिले हैं। और अब चलते हैं भाई अपग्रेड गेस में, कहां गई भाई मेरी फेवरेट MP40 और ये रही। तो अपग्रेड में चलते हैं, और पहला अपग्रेड तो भाई देखो 60 उसका ही था, तो इसको तो भाई आसानी से मार ही लिया, और लेवल 3 की भाई अपनी जो MP40 हो जाती है, जिसमें हमें मिल जाता है भाई नया लुक। तो मजा आ गया भाई, पहली बार ऐसे अपग्रेड कर रहा हूं तो कुछ अलग सा लग रहा है यार। और फोर्थ के लिए तो देखो 120 टोकन चाहिए थे, और भाई कर डालता हूं, और देखो भाई
इफेक्ट अनलॉक होता है, साथ ही साथ भाई देखो एक और रेट ऑफ फायर जो भाई अनलॉक हो जाता है, यानी सिंगल डैमेज और भाई डबल रेट ऑफ फायर माइनस रिलोड स्पीड तो ठीक ही ठाक है। तो मजा आ गया भाई पहली बार करा है और आपको पसंद आ रही है भाई, इसलिए मैं टूर्नामेंट खेल पाया और ये निकाल पाया, तो आपका भी भाई कहीं ना कहीं बहुत बहुत शुक्रिया। और कितने टोकन भाई बचे मेरे पे, लेवल 5 की तो बकवास है, लेवल 6 में पीछे से गोलियां मारोगे तो भाई डैमेज बढ़ेगा। अरे ना भाई, मैं तो आगे से मारता हूँ, कोई जरूरत ही नहीं है। और सातवें में इमोट, अरे ना इमोट का क्या करना भाई मेरे को, तो भाई पांचवा छठा सातवा तीनों के तीनों बेकार ही है, इमोट मारना होगा तो मैं यहाँ ना मार लूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, ये सीरीज भाई बताना बाइंग डायमंड्स भाई प्लेइंग टूर्नामेंट कैसी लग रही है आपको, बाकी भाई वीडियो में मेहनत लगी है तो भाई 3K लाइक्स का टारगेट है जरूर भाई करवा देना, लग गया भाई। बाकी ये जो है भाई MP40 से अब कल से जो है भाई हम पुशिंग भी करेंगे FGL 24 के साथ साथ, तो भाई बने रहना मजा आएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर देना। बाकी आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो बाय।